subscribe bell icon and like button uh. आज हम अविरत अंतर जगत अभ्यास इस टॉपिक पर बात करेंगे मगर उस टॉपिक पर आने से पहले जैसा कि हम कहते हैं कि एक कोई टेक्निक पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे पांच मिनट के लिए और फिर उस टॉपिक पर चले जाएंगे तो आज हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा यानी कि जो चक्र है उस चक्र को देखने की उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा की हम प्रैक्टिस करेंगे पांच मिनट के लिए तो आप सब लोग ध्यान मुद्रा में चले आइए चैतन्य केंद्र कहाँ या मस्तिष्क पर हाँ चैतन्य केंद्र जो हमने सात चैतन्य केंद्र की के बातें की थी वो मूलाधार से लेके और फिर स्वादिष्ठान और नेवल सेंटर जो है मणिपुर चक्र और छाती के पास जो है आ, अनाहत या आनंद केंद्र और गले के पास जो है विशुद्धि केंद्र दो आँखों के बीच में जो थर्ड आए आज्ञा चक्र और एकदम टॉप में जो है सहस्त्रार तो ये सात चक्र जो है हम इस पर ध्यान करेंगे तो एक मिनट के लिए कायद सर्ग आप कर लीजिए वेरी क्विकली तो आंखें बंद रीढ़ की हड्डी सीधी गर्दन सीधी आंखें कोमलता से बंद और जहाँ भी कहीं बॉडी में टेंशन है उस टेंशन को हटाना है बॉडी को कंप्लीट कंप्लीट रिलैक्स करनी है तो क्विकली जो हमारी मेथड है आप उसे फॉलो करिए राइट लेग का थंब जो है वहाँ से शुरू करके फिर उसकी बाजू की चार उंगलियां, तो पांचों उंगलियां रिलैक्स करके और फिर पूरा फुट रिलैक्स होगा आगे ऊपर तक प ज्वाइंट तक पूरा लेग रिलैक्स करना है द नॉर्मल प्रोसेस विल टेक टाइम बट हियर वी आर डूइंग ए क्विक वन सिमिलरली लेफ्ट लेग जो है उसके अंगूठे से शुरुआत करनी है बाकी चारों उंगलियां और फिर पूरा फिट जो है और ऊपर तक हिप ज्वाइंट तक सारा रिलैक्स कर लिया है हम लोगों ने और फिर हाथ राइट हैंड अगेन थम चारों उंगलियां हथेली और पूरा हाथ पूरे जॉइंट्स जो है सारे रिस्ट जॉइंट जो है बाकी ऊपर जॉइंट जो है शोल्डर जॉइंट तक सिमिलरली बाया हाथ थम उंगलियां पाम रेस्ट और ऊपर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट तक पेट को रिलैक्स करना है पेट के अंदर की सारी जो अवयव है पेंक्रियाज है लिवर है जो भी कुछ है सारे रिलैक्स रिलैक्स करने हैं ऊपर छाती तक छाती में ब्रीदिंग सिस्टम जो हमारी है लंग्स है हार्ट है पीठ के बाल पीठ में ऑल वर्टिबाज वन बाय वन वन बाय वन लोएस्ट वर्टिबाज स्टार्ट करके ऊपर तक जाना है और गर्दन को रिलैक्स करना है सारे चेहरे को आंखें ओठ गाल कपाल सारा रिलैक्स करना है ऊपर का शरीर ऊपर का सिर का भाग पूरा रिलैक्स करना है बैक जो है हमारा फेस का पीछे का भाग जो है सिर का उसे भी रिलैक्स करना है कान वगैरह पूरा सो so, पूरी बॉडी को हमने रिलैक्स कर लिया है और फिर से एक बार क्विकली चेक करना है जहाँ कहीं भी टेंशन है उसको हमने रिलैक्स कर लिया है अब एक एक चैतन्य केंद्र पर चले जाते हैं शक्ति केंद्र जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा है जननेन्द्रिय और रीढ़ की हड्डी का लोएस्ट फोर्टेबा उसके बीच में जो भाग है दैट इज अ शक्ति केंद्र वहाँ पर फोकस कीजिए मन पूरा वहां जाएगा थिंकिंग जो है वो पूरी उसी की होगी और चेतन शक्ति पूरी उसी पर जुड़ी हुई है शक्ति केंद्र यहां से अभी ऊपर आइए स्वादिष्ठान नेवल सेंटर से दो इंच नीचे चार उंगलियां नीचे नेवल सेंटर से चार उंगलियां नीचे और याद रहे सारे सेंटर्स बैकबोन में हैं ये जो है फिज़िकल बॉडी हम इसे दिखा रहे हैं मगर सेंटर्स आर ऑलवेज इन द बैकबोन एंड ऑल सेंटर्स आर इन तेजस बॉडी नॉट इन द फिजिकल बॉडी सो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड और जब फोकस कर रहे हैं आप तो उस सेंटर से तो स्वादिष्ठान से लेकर सीधे बैकबोन तक जाना है और बैकबोन में फिजिकल बैकबोन नहीं तेजस बॉडी तो तेजस बॉडी में जाके उसको फोकस करने हैं। चलिए ऊपर आ जाते हैं नेवल सेंटर नाभि चक्र बहुत इम्पोर्टेंट सोलर पॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं बॉडी की सेहत के लिए और बाकी बहुत सी चीजों के लिए भावनात्मक कंट्रोल के लिए माइंड कंट्रोल के लिए नाभि चक्र मणिपुर चक्र सीधे नोवेल सेंटर से पीछे बैकबोन तक चले जाइए फिजिकल बैकबोन से तेजस बॉडी में जाइए और याद रखिए ईडा पिंगला और सुषमना इसकी बातें हमने की थी तो ईडा पिंगला सुषमना जहां क्रॉस होती है वहीं पर हमारे एक एक चक्र होते हैं हर चक्र पे वो तीनों क्रॉस हो जाती है अनाहत केंद्र पर आते हैं अनाहत केंद्र आनंद केंद्र चेतन शक्ति जब इस केंद्र से ऊपर होती है जिंदगी के दुख दुर्द दर्द सब सारे ठीक हो जाते हैं बहुत मुश्किल है यहां तक चेतन शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना मगर आप वहां पहुंच गए तो जो निगेटिविटी है वो सारे नीचे रह जाएगी आनंद केंद्र अनाहत चक्र और ऊपर चले जाते हैं विशुद्धि केंद्र गले का हिस्सा जहां मणि जैसा प्रोजेक्शन है दैट इज द विशुद्धि केंद्र थोराइड पैराथोराइड ग्लैंडस का सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी बैलेंसिंग के लिए बॉडी की सारी जो चयापय चयापचय की जो क्रियाएं होती है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है तो आप ओवर वेट हो आप अंडर बैठो या कोई भी प्रोपोर्शनेट बॉडी आपकी कहीं नहीं है तो विशुद्धि केंद्र थोराइड पैराथोराइड ग्लैंड डेफिनेटली कंट्रोल मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऊपर चले आते हैं आज्ञात चक्र पर थर्ड आई दोनों आंखों के बीच आंखें बंद है मगर देखना है दोनों आंखों के बीच और फिर ऊपर चले जाते हैं सहस्त्रार वेयर योर बैकबोन मर्जेस विद दी हेड फाइनल टॉप पॉइंट चोटी की जगह जहां चोटी होती है दैट इज सहस्त्रार, सहस्त्रार केंद्र जाग गया मतलब है कि आप केवल ही बन गए मतलब है कि आपने सारा जान लिया सारा कंट्रोल आपके पास आ गया सहस्त्रार तो चलिए यहां से हम वापस आ जाते हैं एक क्विक जो है की टेक्निक की हमने रिव्यू की है बट नीड टू प्रैक्टिस दिस फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी मिनट्स यहां पर वी आर जस्ट डूइंग ए क्विक रिव्यू सो पांच मिनट हमने किया है प्रैक्टिस अब चले जाते हैं आज का टॉपिक अविरत आंतरिक अभ्यास बुद्धि के तल पर हमने जान लिया क्या सही है क्या गलत है क्रोध करना गलत है जान लिया लोभ करने से कोई फायदा हुआ नहीं ये भी जान लिया अहंकार से केवल दुख आया केवल पीड़ा आई केवल मनस्ताप आया इसे जान लिया माया चारे पना करने से मनस्ताप अशांति भय सारे पैदा होते हैं जान लिया मगर जिंदगी में यह उतरता नहीं दिस इज मिलियन डॉलर प्रॉब्लम बहुत कोशिश की जान लिया सारा बुद्धि के तल पे मगर किसी का पैर अपने पैर पे आ गया क्रोध आ गया क्रोध व्यक्त हो गया हम उसे रोक नहीं पाए क्या हुआ क्योंकि जो मन जो बुद्धि है उससे गहरे में और कोई चीजें है हमारे अस्तित्व की हमारे होने की तो एक तो है कि सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वहां से सारी चीजें कंट्रोल होती चली जाती है तो बुद्धि के तल पर बाहरी मन के तल पर हम करें तो केवल इंटेलेक्चुअल बदलाव आ गया है मगर अस्तित्वगत बदलाव नहीं आता है तो हमें जो कि हमारा सुप्त मन है विच इज ऑलमोस्ट टेन टाइम्स बिगर देन द आउटर माइंड वहाँ तक पहुँचना है और वहाँ पहुँचने के बाद भी शरीर के अंदर जो इतने सेल्स है हर सेल इज इंटेलिजेंट उसकी अपनी इंटेलिजेंस होती है उस हिसाब से वो काम करता है उसकी अपनी एनर्जी प्रोडक्शन की मेथड होती है उस हिसाब से तो हर एक डीपर बॉडी लेयर तक जब हम इस बात को नहीं ले जाते तब तक यह बदलाव परमानेंटली नहीं आ सकता है तो प्रश्न आता है कि सबकॉन्शियस माइंड तक हम कैसे जाए दिस इज द इंपॉर्टेंट तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि जो कोई परिस्थितियां होती है उसको डील करने की एक फ्रेमवर्क होती है सो so जैसे कि ऐप होता है हम एक ऐप डाउनलोड कर लिया है तो कुछ काम करना है तो उस ऐप को लगा दिया वो ऐप अपना काम करके पूरा कर लेता है दूसरा कुछ काम करना है दूसरा ऐप लगा दिया है उसको एक्टिवेट कर दिया वो काम कर लेता है तीसरा ऐप है वो काम कर लेता है इसी प्रकार माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है एप्स हमने बना के रखे हैं जो संस्कार हमने किए जो कुछ चीज़ें रिपीट रिपीट हम करते गए तो वो ऐसे एक स्ट्रक्चर माइंड का बनते चला गया है तो कुछ चीज हो गई तो माइंड का स्ट्रक्चर उस हिसाब से काम करता है गुस्सा आ गया और वहां से गुस्सा निकल कर आ गया है तो जो हमारी एक्शन फिजिकल एक्शन हम कर रहे हैं वो वहां से जो घटना घट गट रही है वो डीप सबकॉन्शियस में उसकी रिफ्लेक्शन आके दैट पर्टिकुलर ऐप इज एक्टिवेटेड अकॉर्डिंगली वी डू इट सो नाइंटी नाइन परसेंट जो हमारी एक्शंस होती है दे आर मोर लाइक ए रोबोटिक एक्शंस घटना घटी एक ऐप एक्टिवेट हो गया और उसने वो काम कर दिया आपको पता नहीं वो हो गया हो जाने के बाद आपको पता चला है आपकी बुद्धि को बाह्य मन को उसके बाद पता चला क्या अरे गुस्सा हो गया फिर मन पछताता है अरे ये क्या हो गया मैं कितनी कोशिश करता हूं अच्छा होने की मैं कितनी कोशिश करता हूं इसको कंट्रोल करने की मुझे पता है कि ये अच्छा नहीं है मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है और फिर भी हो गया है तो एक अपने आप को सेल्फ कंडेमेशन जो है फिर स्टार्ट हो जाता है अपने आप को हम कोसने लगते हैं अपने आप को हम कहते हैं अरे क्या मैं इतना छोटा काम नहीं कर सकता हूं तो ये जैसे पता चलता है कि आदत के आगे माइंड डीपर माइंड के आगे हम बेबस लाचार है तो और ज्यादा गिल्ट कॉन्शियस हमारे बढ़ती चली जाती है क्योंकि बुद्धि के दल पे पता है कि ये बेकार है अच्छा नहीं है और एक्शन में हम नहीं ला सकते हैं तो एक गिल्ट कॉन्शियस बढ़ती बढ़ती चली जाती है तो कैसे हम डीपर कॉन्शियस में जाए तो उसकी एक ट्रिक टेक्निक जो है कि हमारे आ, बहुत आ, हजारों सालों से यूज़ में आती है कि जो हो रहा है उसके बीच में एक अवेयरनेस के लेयर हमें लानी पड़ेगी तो जो चीज हमें करनी है वो हमें सबकॉन्शियस में ले जानी है कैसे ले जाएंगे सबकॉन्शियस में तो वो चीज़ को जितनी बार हम रिपीट करते जाएंगे रिपीट करते जाएंगे रिपीट करते जाएंगे रिपीट करते जाएंगे तो धीरे 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 वो सबकॉन्शियस में डीपर 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 लेयर्स पर चलती जाएगी जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि ड्राइविंग का कि जैसे फर्स्ट टाइम आप ड्राइविंग कर रहे थे हम लोग ड्राइविंग कर रहे थे नया नया लाइसेंस मिल गया है और ड्राइविंग शुरू की है तो हर चीज़ कितनी चीज़ का हम कॉन्शियस रहते थे कि भाई साहब गाड़ी में बैठने से पहले चारों पहिए हम घूम के देखते थे हवा है नहीं है ठीक है नहीं है बैठ गए बेल्ट लगाया गाड़ी ऑन की फिर स्टीयरिंग चेक किया इंडिकेटर चेक किए फिर निकले रास्ते पे तो ट्रैफिक हम देख रहे हैं सामने की गाड़ियां देख रहे हैं पीछे आने वाली गाड़ियां देख रहे हैं साइड की गाड़ियां देख रहे हैं इंडिकेटर्स को देख रहे हैं सिग्नल जो है उसको देख रहे हैं वेदर कंडीशन को देख रहे हैं जितने आ, कार में इंडिकेटर है सब को देख रहे हैं कि भाई हीट एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं है क्या फ्यूल ठीक है ना ये ठीक है कि ये पे कितना है तो अनेक अनेक चीज़ें हम अलर्ट 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 होके देख रहे हैं मगर जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई ये बहुत सी चीज़ें अब ऐटोमेटिक होने लगी है इसको हमें बुद्धि का यूज़ नहीं करना पड़ता है ये हमारी डीप सबकॉन्शियस में चली गई है तो ऐटोमेटिकली हम बैठे हैं जा रहे हैं कोई बाजू में बैठा है उससे भी बात कर रहे हैं रोड में से हमारी नज़र निकाल के उसके और भी देख रहे हैं कभी तो सारी चीज़ें जो सबकॉन्शियस में चली गई है तो अभी वो ऐटोमेटिक ऑटोमेटिक हो रही है तो ऐसे ही जो चीज़ें हमें सबकॉन्शियस में ले जानी हैं तो उसको रिपीट रिपीट करना तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रतिक्रमण है लिखा है रोज करना है सामायिक लिखा है रोज करना है आलोचना पाठ लिखा है रोज करना है क्यों रोज करना है कि धीरे 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 वो सबकॉन्शियस में चला जाए हर चीज़ जो है जिसकी हम ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो एक डांसर है जैसे ही म्यूजिक बजता है उसके पैर थिरकने लगते हैं अब उसे बुद्धि के तल पे काम नहीं करना पड़ता है सीधा सबकॉन्शियस टेक्स द कंट्रोल और जब सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है थिंग्स आर हैपनिंग इजी, एटोमेटिक उसकी हमें ना कोई टेंशन आती है ना कोई उसकी मॉनिटरिंग uh, करनी पड़ती है एक म्यूजिशियन है बैठा है गायक गा रहा है उस हिसाब से उसकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली ट्यून पकड़ रही है जो नया सीखता है नहीं हो सकता है नया जो है कि हाँ ये कह रहा है तो इधर सांप बजेगा कि बजेगा कि क्या बजेगा गब बजेगा उसको पता नहीं है मगर जैसे प्रैक्टिस होती गई प्रैक्टिस होती गई तो वो सारी ट्यूनिंग बैठ गई है तो जैसे ही वो सुन रहा है कान से उसकी फिंगर ऑटोमेटिक चल रही है उसकी बुद्धि को सोचने की जरूरत नहीं है कि सा होगा कि र होगा कि ग होगा फिंगर अपने आप तो क्या हो गया सबकॉन्शियस ने कंट्रोल ले लिया है जैसे सुन रहा है वो इंस्ट्रक्शंस सबकॉन्शियस के द्वारा बॉडी लेवल पर चली गई है फिंगर्स अपने आप अपने आप अपने आप चलते जा रहे हैं तो जो भी चीज है वो हमें सबकॉन्शियस में ले जाने के लिए उसकी अविरत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट इज द ये है और ये सारे अंतर जगत में हो रहा है तो अविरत आंतरिक अभ्यास सो दिस इज द की जो भी हमें बदलाव लाने हैं उसे डीपर लेयर तक ले जाने पड़ेंगे और जैसे डीपर लेयर तक चले जाएंगे जो हमारा सबकॉन्शियस है उसे कंट्रोल कर लेगा तो ये अपने आप उस प्रकार से कार्य करने लग जाएंगे तो एक प्रॉब्लम आ जाता है कि डीपर लेयर में भी जाने के बाद वो कभी नहीं होता है क्यों नहीं होता है कि दूसरी एक डीपर लेयर जो है वो कार्यरत है उसकी इक्वेलेंट जो है पुरानी आदत वो कार्यरत है क्यों कि उसकी वेस्टेड इंटरेस्ट है समझ लो कि एक आदमी कहता है कि क्रोध नहीं करना मगर उसकी कुछ इच्छा है उस इच्छा को तृप्त करना है अब इच्छा को तृप्त करना है तो जो भी बाधा आएगी तो उसका क्रोध हो जाएगा जिस व्यक्ति के कारण बाधा आ जाएगी क्रोध हो जाएगा तो क्रोध नहीं करना ये डीपर लेयर तो आ गई मगर उसके पैरल में एक दूसरी एक्टिविटी चल रही है इच्छा की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो ये आदमी उसमें रोड़ा बन गया है इस आदमी के कारण बाधा आ रही है तो अभी प्रायोरिटी क्रोध पे चली जाएगी क्योंकि वो इच्छा पूर्ण करनी है तो अंतर जगत में जाने के साथ दूसरी एक बात हमें रखनी है कि इच्छा को कंट्रोल में रखना है तो इच्छा को कंट्रोल में रखें और डीपर लेयर में जो हमारी बात है तो बिल्कुल फलित हो गई क्योंकि अब समझो कि कोई इच्छा नहीं है तो फिर राग आने की जरूरत नहीं है और डीपर में राग हमने कोशिश कर लिए कि राग के काउंटर जो है एंटी आ, जो चीज़ें है वो हमने वहाँ पे लिया है क्षमा की चीज़ें वहाँ पे लाई है हमने वो फिर जो है क्रोध एक्टिवेट करने के कारण जो है इच्छा उसको हमने कंट्रोल कर लिया है तो अब क्रोध प्रकट नहीं होगा क्रोध की जगह जो दूसरी हमने सब्स्टिट्यूट अच्छी चीजें पॉजिटिव चीजें डीपर लेयर में हम चले गए हैं वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहां क्या करना है कि एक और टेक्निक होती है कि समझ लो कि डीपर लेयर तक ये जाने में अभी और कोशिश हमें करनी है तो एक और ट्रिक बीच में करनी है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी मतलब है कि वी आर गोइंग आउटवर्ड, कोई भी एक्टिव करनी है तो चेतन शक्ति बाहर की ओर जा रही है तो यदि एक्टिविटी करने से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ रखें कि समझ लो कि अवेयरनेस की एक लेयर रखे कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं आई एम गोइंग आउट टू डू ए एक्टिविटी तो एक अवेयरनेस की लेयर है सो दैट विल टेक अस फर्स्ट द डीपर इनसाइड एंड देन वी गो एंड डू द एक्शन तो वह एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि हमारे शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि मुनिराज या साधु कोई उपसर्ग होता है उनके ऊपर तो सीधे कायत स्वर्ग में चले जाते हैं तो बहुत छोटा था तो जब मैं सुनता था कि ऐसे होता है तो मैं तो समझता था कि अरे ये तो उल्टा हो रहा है कोई संकट आ रहा है तो यू शुड ऑलवेज प्लान कि करें, कैसे फाइट करे कैसे क्या करे और ये कायत स्वर्ग में क्यों जा रहा है मगर जैसे ध्यान की गहराइयों में जाना शुरू हो गया तो पता चल गया कि कायोत्सर्ग में जाना मतलब जो है कि आप अपने चेतन शक्ति से जुड़ गए डीपर लेयर से जुड़ गए और डेपर लेयर से जुड़ने के बाद जो परिस्थिति है उसका आप फिर से अवलोकन करें तो वो आपको डिफरेंट महसूस होगी केवल बाहरी लेयर पर यदि आप देखें तो आपको परिस्थिति एक प्रकार से दिखेगी और डीपर लेयर में जाके देखेंगे तो वही परिस्थिति आपको अलग ढंग से दिखेगी फिर आपको सही ढंग पहले उसको देख लेना है कि रियली क्या है समझ लो कि एक आदमी ने आपको कुछ कह दिया आपको गुस्सा आ गया मगर आप रिएक्ट करने से पहले आप डीपर लेयर में चले गए तो आपने परिस्थिति को फिर से देखा नए ढंग से देखा तो आपने सोचा अरे हाँ ये कह रहा है तो सही है फिर इस पर क्रोध क्यों करना है उसको तो थैंक करना है कि भाई तूने रिमाइंड कर दिया कि मैं ऐसा हूं तो एक अवेयरनेस की लेयर आई तो द सेम सिचुएशन लुक्स डिफरेंट ए रियल असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन कैन बी डन और जो आपकी रिएक्शन होगी देन दैट विल बी मच डिफरेंट देन वॉट इट इज तो एक अवेयरनेस की लेयर जो है इसको यदि हम ले आ सकते हैं तो बहुत सी एटी परसेंट जो कि हम कहते हैं प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो गलत रिएक्शन हम कर देते हैं तो वो नहीं होगी तो इसीलिए ध्यान की दुनिया में जाते हैं तो एक डिसिप्लिन Uh, हमें लेना पड़ता है कि प्रतिक्रिया विरति एक डिसिप्लिन है प्रतिक्रिया विरति कि जो हो रहा है उसके लिए मैं प्रतिक्रिया इमिजिएट नहीं करूंगा क्योंकि इमिजिएट प्रतिक्रिया जो है बुद्धि के तल पर होगी लॉजिक रीजनिंग के तल पर होगी ऊपर माइंड जो है उसके तल पर होगी समथिंग हैपनिंग यू क्विकली रिएक्ट विदाउट गोइंग टू द डीपर सो बाहर ही जाने के पहले कोई एक्शन लेने से पहले यह इंपॉर्टेंट है कि आप जो है पहले अंतर जगत में जाइए ज्वाइन विथ यूर वॉट वी कॉल एज अ गट्स फीलिंग है ना हम कहते कि भाई गट्स फीलिंग में आ गया ऐसा तो गट्स फीलिंग जो है अंतर जगत आपका डीपर लेयर जो है माइंड का सबकॉन्शियस जो माइंड है चेतन शक्ति जहाँ से क्विकली जुड़ जाती है आप वहाँ तक चले जाइए एक अवेयरनेस के लेयर बीच में रखिए और फिर जो है वो आप कीजिए तो प्रतिक्रिया विरति जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन हमें यहाँ लाना पड़ता है हम ले आए तो तो इसलिए कहते कि भाई गुस्सा आ गया तो 24 घंटे रुको उसके बाद रिएक्शन करो तो एक बहुत बड़े साधु की कहानी है कि वो छोटा था तो उसके पिताजी ने कहा मर रहे थे बहुत जल्दी मर गए तो कहा कि बेटा तू बहुत छोटा है अभी मैं ज़्यादा बातें तुझे बताता नहीं बस एक ही बात याद रखना कि गुस्सा आ गया 24 घंटे के बाद उसको रिएक्ट करना फिर तुझे लगा कि उस आदमी का मर्डर कर दे कर देना लगा कि उसे पीटे पीट देना लगा कि उसकी छाती में छुरा फूक दे जो करना है कर दे पर 24 घंटे रुक जाना और फिर उसने बोला कि 24 घंटे रुकने के बाद 90% परसेंट ऑफ द जो चीज़ें थी मुझे लगा कि अरे इसमें गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है तो 90 परसेंट चीज़ें जो अपने आप में वो निकल गई है तो दिस इज यट अनदर लेयर वी हैव टू ब्रिंग प्रतिक्रिया विरति यानी कि जो प्रतिक्रिया आप कर रहे हो घटना के बाद उसमें गैप कर देना है जितना ज्यादा गैप आप कर सकते हो जितना ज्यादा गैप आप कर सकते हो उतनी बड़ी बात है तो चलिए हमने ये दो तीन बातें कंट्रोल कर ली फिर भी एक लेयर और बच जाती है और उसको देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है आदतें जो आदतें हमारी होती है बहुत डीपर होती है तो हमने इच्छा पे भी कंट्रोल कर लिया हमने थोड़ी सी अवेयरनेस भी ला ली मगर आदत होती है कि वो हमारा पीछा छोड़ती नहीं है तो आदत ये कंट्रोल कर लिया फिर भी आदत के कारण कुछ होगा वो थोड़ी माइनर लेवल पे होगा थोड़ी माइल्ड लेवल पे होगा मगर उसको भी देख लेना उसको भी हमें समझ लेना ज़रूरी है कि आदतें जो होती है रिपीट रिपीट हो जाती है तो बहुत डीप चली जाती है तो एक उदाहरण में समझ लेते हैं कि एक पुराने ज़माने में एक काफिला जाता था तो उसके पास सिक्सटी कैमल्स थे तो जाते हैं दिन में चले जाते हैं शाम होती है तो रुक जाते हैं तो रुक गए टेंट लगाने शुरू कर दी है और टेंट लगाने शुरू कर दिए इधर जो ऊंट है हर एक ऊंट के लिए एक खुटी ठोक दी और खुटी ठोक के उस ऊंट को बांध दिया जैसे ही खुटी ठोक दी वो ऊंट एक आदत हो गई है कि भाई बांध दिया है ऊंट बैठ जाता है फिर तो खुटी ठोकने में हैमर से हमने किया तो छः सात आठ बार ओ हैमर सुन लिया कैमल ने तो कैमल अपने आप बैठ जाता है तो एक दिन ऐसे हो गया कि जो साठ कुटिया थी एक ख़राब हो गई टूट गई तो उसने फिफ्टी नाइन तो लगा दी फिफ्टी नाइन कैमल है और जैसी खुटी ठोक दी उसमें रस्सी बांध दी कैमल अपने आप बैठ गए ये सिक्सटी कैमल जो है बैठता ही नहीं है बैठता ही नहीं है और बहुत कोशिश कर रहा है बिठाने का तो मालिक के पास चला गया बोले भाई ऐसा प्रॉब्लम है तो मालक बोले अरे अंधेरा भी हो गया है कोई बात नहीं है तुम एक काम करो खूटी नहीं है जमीन पे ही आठ बार हैमर मारो जैसे खूटी ठोक रहे जैसे हैमर मारते वैसे जमीन पे ही आठ बार हैमर मारो जैसे उसने आठ बार हैमर मारा वो रस्सी लेके जहां खूटी नहीं थी ऐसे खुट्टी में दिया। कैमल अपने आप बैठ गया आदत कैमल जब तक हैमर सुनता नहीं है रस्सी बांधी जाती नहीं है वो बड़ा कैसे बैठे ऐसी ही हमारी भी आदतें होती है कि कुछ ना कुछ किसी से लिंक हो जाती है और उस आदत के हिसाब से हम इतनी डीपर लेयर में आ गए तो भी एक लेयर आदत की जो है तो उसको हमें याद रखना है और उसको भी हमें तो आदत की और एक बात कहानी हम थोड़ी सी छोटी सुन लेते हैं ताकि उसकी थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो पुराने ज़माने की बात है कि टांगे हुआ करते थे तो जनरली कोई गांव है रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर होता है तो टांगे में बैठ के लोग चले जाते हैं तो ऐसे ही एक दिन एक गांव में लोग बैठ के जाने हैं टांगे में तो दूसरे दिन जाना है तो उन्होंने टांगे वाले को बोल दिया कि भाई साहब बारह बजे गाड़ी आ रही है दस बजे आप हमारे घर आ जाओ और दस बजे सवारी लेके जानी है तो ताकि ग्यारह बजे तक हम स्टेशन पहुंच जाएंगे, फिर टिकट विकेट लेनी है बाकी सारे काम करने हैं तो वी आर इन टाइम नो रश कोई गाड़ी छूट जाए ऐसे झंझट नहीं होगी तो दस बजे डेफिनेटली आ जाना है तो ठीक है भाई दस बज गए टांगे वाला आया नहीं सवा दस बज गए टांगे वाला आया नहीं साढ़े दस बज गए टांगे वाला आया नहीं तो फिर किसी को भेजा भाई टांगे वाले को लेके आओ क्या हुआ ग्यारह बज गए टांगे वाला आ गया तो पहले ही लेट हो गया तो फटाफट लोग बैठ गए टांगे में टांगे वाले को बोला भाई साहब जल्दी जल्दी ले जाओ पहले आप लेट आ गए निकला टांगा थोड़ी देर गए घोड़ा रु, रुक घोड़ी रुक गई टांगे वाला उतरा घोड़ी के आगे डांस किया फिर घोड़ी चलने शुरू हो गई फिर थोड़ी देर हो गए घोड़ी रुक गई फिर टांगे वाला नीचे उतरा फिर डांस किया फिर घोड़ी आगे चली गई और तीन चार बार हो गया लोग परेशान अरे भाई क्या कर रहे हो आप तो बोले भाई साहब माफ़ करना मेरी जो टांगे की घोड़ी है आज बीमार है ये शादी ब्याह की घोड़ी है इसको मैंने जोड़ दिया है अब इस घोड़ी को आदत है कि लोग डांस करते हैं फिर थोड़ा आगे जाते हैं घोड़ी रुक जाती है फिर डांस होता है फिर घोड़ी आगे जाती है तो इसको आदत है अब मैं जैसे तैसे आपको पहुंचा दूंगा मगर यह मुझे करते जाना पड़ेगा तो एक टांगे की घोड़ी है वो सीधी चली जाती है स्टेशन तक शादी ब्याह की घोड़ी जो है उसको आदत है थोड़ा चल गया लोग डांस करते हैं फिर थोड़ा चल गया डांस करते हैं तो वैसे ही अटक जाते ऐसे ही हमारी आदतें जो है वो हमें डीपर लेयर पर रोकती चली जाती है तो उसको भी हमें देखना है तो इसलिए ये सारी आंतरिक क्रियाएं जो है उसको जागृत होकर देखते जाना है और जो पॉजिटिव बात हमें करनी है उस पॉजिटिव को जो है डीपर लेयर तक सबकॉन्शियस तक हमें ले जाने की कोशिश करनी है उसके लिए रिपीटेशन जरूरी है तो इसलिए जो डेली करने की कुछ बातें हैं हमारे शास्त्रों में लिखी है कि रोज़ भाई साहब प्रतिक्रमण है रोज करो आलोचना है रोज करो ध्यान सामायिक है रोज करो रोज करने से वो सबकॉन्शियस में ले जाने में हमें मदद हो जाती है तो जस्ट समराइज आज हम ने अविरत आंतरिक अभ्यास इस टेक्निक की बातें की है इसके महत्व को जाना है कि कैसे जो बातें हम केवल बुद्धि के तल पर करते हैं वो परमानेंट बदलाव नहीं लाती है बुद्धि के तल पे जान लिया परमानेंट बदलाव नहीं आया तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है ज़्यादा सेल्फ कंडन बढ़ती है और एक बेवस लाचारी की भावना बढ़ती है तो इसीलिए डीप सबकॉन्शियस जो लेयर्स है वहां तक हमें पहुंचना है और वहां जो पहुंचा देंगे हम इसको ये एक माइंड की जो स्ट्रक्चर बनी है सबकॉन्शियस माइंड की उस स्ट्रक्चर को हमें बदलना है तो जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते हैं तो माइंड सिस्टम जो डीपर में पड़ी है उसकी एक एक एलिमेंट को हमें अपग्रेड करना है उसको मॉडिफाई करना है ताकि जो ऑटोमेटिक रोबोटिक रिएक्शन हो जाती है उस पे हमें कंट्रोल आते चले जाइए तो एक कॉन्शियस लेयर uh, बीच में हमें लानी है ताकि जो भी एक्शन हो रही है बाहर उससे पहले हम अपने आप को अंतर जगत में ले जाए अंतर जगत में द सिचुएशन। बिकॉज देन द सिचुएशन विल बी लुकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव और दैट प्रॉब्लम मे नॉट बी ए रियल प्रॉब्लम तो अंतर जगत में जाए वहाँ पे और हमने दो लेयर देखी कि इच्छा की लेयर है वो हमें डाइवर्ट कर सकती है तो इच्छा पे कंट्रोल करके करना है और उसके नीचे भी एक लेयर है आदतों की लेयर जो भी डिफ्लेक्ट कर सकती है हमें जो ओ, जो ऐप हमें एक्टिवेट करना है उसके बदले दूसरा ऐप एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पे पुराना तो ये सारी लेयर्स इसको हमें देख के तो जैसे इसको अवेयरनेस हमारी बढ़ती जाएगी तो ये धीरे धीरे हम परमानेंट बदलाव हमारे इसमें ला सकते हैं तो यहां पर कोई सवाल है तो हम सवाल ले सकते हैं एक क्लैरिफिकेशन है विनोद जी हाँ जी अविरत बेसिकली मींस सबकॉन्शियस राइट बिना बुद्धि नहीं अविरत मींस कंटिन्यूअस अविरत मींस विदाउट ब्रेक विदाउट्रेक हाँ अविरत हाँ, अंतर जगत और अभ्यास मीन्स यू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग स्टडी व्हाट इज हैपनिंग आंतरिक विल बी द सबकॉन्शियस हाँ राइट right. तो चलिए यहां पे हम तीन अरहम करके आज के सेशन को समाप्त करते हैं Uh Subscribe, bell icon, and like button. Jainworld.com 25 years of service to Jainism.